सो हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जान सकते हैं, आज है हम लोग का थर्सडे और आज टीचर्स डे भी है। खैर, टीचर्स डे का तो यहाँ पे उतना कुछ मैंने लास्ट ईयर नहीं देखा था, पता रुको जरा सबर करो, पता नहीं इस साल कुछ होगा कि नहीं होगा। लास्ट ईयर तो कुछ नहीं हुआ था, टीचर डे बस एक नॉर्मल डे की तरह था। इस साल भी वही दिख रहा है, क्योंकि कोई इवेंट वगैरह अभी तक तो सुनने में नहीं आया। बाकी देखो, हो सकता है चल के पता चले। बाकी अभी तो हम लोग थोड़ा आज लेट से क्लासेस गए हैं, मतलब कि 8:30 अभी हो चुका है। तो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या नाश्ता है, अगर कुछ अच्छा होगा तो कर लेंगे, वरना डायरेक्ट चलेंगे कॉलेज। तो चलो दोस्तों, अभी चलते हैं हम लोग कॉलेज और देखते हैं क्या है क्या नहीं। भाई लोग, फाइनली हम लोग चल रहे हैं कॉलेज। बाकी यहाँ पे देख सकते हो धूप कितना तेज हुआ है। खैर, इसी में चलना पड़ेगा कॉलेज, क्योंकि अटेंडेंस के लिए जाना ही पड़ता है भाई। अटेंडेंस के लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी क्लास में देख सकते हो मैम क्या करवा रही है। जिसके अंदर भी कोई हिडन टैलेंट है वो आके अपना परफॉर्म करे, ऐसा करवा रही है। लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कर दिया और मेरा जो कितना बढ़िया हो गया कि HOD सर के साथ मेरा पर्सनल मीटिंग हो गया, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहीं से ही मजे लेंगे। One hour later. और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा खाली पीरियड मिला तो हम लोग आए गए लाइब्रेरी। लेकिन लाइब्रेरी भी भरा पड़ा है, तो सनी पांडे ने नया जगह ढूंढ लिया बैठने का। खैर, यहीं पे थोड़ा देर रह के चला जाए नीचे। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंटीन में हो रहा है इवेंट। खैर, मैं तो वहाँ पे नहीं था, जिसने भी वीडियो भेज दिया भाई उसको दिल से थैंक यू। बाकी ये भी इवेंट हो रहा था, RJ जलज कोई करके आया था, तो उसी के लिए इवेंट हो रहा था। यहाँ पे गाना नाच गाना हुआ है। खैर, तुम लोग भी इंजॉय करो ये इवेंट, मैं बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा। So, भाई लोग, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल, और हो गया अपना जितने क्लासेस खत्म होने थे। आज तो क्लासेस चल ही नहीं है, मतलब कि किसी में आज पढ़ाई हुआ ही नहीं है। आज फर्स्ट पीरियड में वो सब हुआ जो मतलब वीडियो वगैरह दिखाया, फिर सेकंड में बस पढ़ाई हुआ है, जो मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगा हुआ ही नहीं। शाबाश। खैर, सेकंड में पढ़ाई हुआ, फिर थर्ड में तो कॉपी वगैरह चेक हुआ, उसमें 3 पन्ना लिख के चेक करवा दिया, अटेंडेंस लग गया यार। और फिर लास्ट पीरियड में भी कुछ ही नहीं हुआ, तो आ गए हम लोग फाइनली हॉस्टल। और कैंटीन में कुछ इवेंट वगैरह हो रहा है, उसका वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कल के वीडियो में सरप्राइज कर रहा था, वो असल में ये चीज़ है कि कुछ दिन पहले SRMU में कुछ एक कंपनी आई थी,
उसका मतलब काम यह है कि अब SRMU अपना जो पेज है SRMU का, उसको प्रमोशन की जरूरत है, तो वो एक कंपनी को हायर की है जो कि SRMU के इसको प्रमोट करेगी, कंपनी को, ठीक है, मतलब कि SRMU को प्रमोट करेगी। तो वही वो लोग क्रिएटर्स ढूंढ रहे हैं जो कि ऐसा रील वगैरह बना ले, यही सब है उसमें, और उसमें रील वगैरह बनाना है उन लोग के लिए, जैसा कि वो लोग बताएंगे वैसा ही रील बनाना, उसके वजह से इस चैनल को कोई लेना देना नहीं है, और वो जैसा रील बोलेंगे यही सब बनाना था, उसमें वही गए थे, तो वो वाला ब्लॉग बना आधा, फिर आधा छूट गया, तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ दो, क्योंकि पुराना ब्लॉग कल अपलोड नहीं कर पाए थे, तो इस सब काम झाम के चक्कर में मैंने छोड़ दिया, इसीलिए आज ही बता दिया क्या हुआ है क्या नहीं, और यही हुआ है मेनली, तो यही चीज़ है, बाकी और देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा थोड़ा दिन तक तो करेंगे, क्योंकि वो लोग बस रील चाहिए उन लोगों को, और उन लोगों को मतलब कि उन लोगों का भी काम यही सब है कि वीडियोस रिकॉर्ड करना अलग अलग, जैसे यूनिवर्सिटी के जिससे प्रमोशन हो वही सब वीडियोस बनाना है, तो देखो अगर बढ़िया लगे तो करूँगा कुछ दिन, वरना छोड़ दूंगा, ताकि अभी देखो अभी क्या होता है क्या नहीं। और अभी तो हम लोग आ चुके हैं रूम पे, पेटीज वगैरह लेके आ चुके हैं, क्योंकि आज का खाना भी तो थोड़ा ख़त्म ही था, मतलब ख़राब ही था, तो इसलिए पेटीज लेके आ गए, तो अब वही खाएंगे, और काफ़ी दिनों बाद आज हम खाएंगे पेटीज, तो वो खा के अब मिलते हैं आप सभी से। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं गार्गी में, यहाँ पे एक और इवेंट हो रहा है, मतलब आज टोटल 3 इवेंट हो गया यार, कभी इवेंट ही नहीं होता है, कभी इतना हो जाता है कि आज के ब्लॉग में क्या क्या लगाऊँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बाकी यहाँ पे भी इवेंट वगैरह फ्रेशर्स के पहले एक समझ लो फ्लैश मॉब करके हो रहा है, वही सब इवेंट हो रहा है, इसमें भी डांस वगैरह यही सब हो रहा है, बाकी देखो तुम। और दोस्तों हो गया जितना इवेंट ख़त्म होना था, अब हम लोग आके यहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं और अब चलते हैं हम लोग ऊपर सीधे आराम करने। तो भाई लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल, अपना जितना खाना पीना खाना था खा गए, खा लिए हैं, अब जल्दी आ गए, क्योंकि असल में कल है हम लोग का कुछ ये इवेंट नहीं, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं वही कल करना है, पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसी में करना है, तो उसी में कल पूरा दिन उसमें जाएगा। ऊपर से कल वाला ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा बना है, मतलब आज वाला ये जो रिकॉर्ड करे ये भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कैंटीन में भी इवेंट हुआ है और गार्गी में भी इवेंट हो गया है, तो ये वाला भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको भी एडिट करने में टाइम लगेगा। अभी कल का पूरा दिन तो उसी में चला जाएगा जिसमें पार्टिसिपेट किए, उसमें भी पूरा मतलब कि प्रेजेंटेशन वगैरह देना है, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत होगा, तो अभी वही प्रेजेंटेशन की तैयारी करने जा रहा हूँ, और कल देखते हैं कल कैसे हम एडिट, परसों तक वही लास्ट ऑप्शन वही बचेगा कि परसों तक अपलोड करना, तो ये मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन ये दो बार से यही हो रहा है, पिछले वाले से के साथ भी यही हुआ था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, देखते हैं ये वाला ब्लॉग कब तक अपलोड हो पाता है, कब तक नहीं, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, और जल्द ही अपलोड करूँगा, जल्द ही कोशिश करूँगा, क्योंकि कल शाम तो उसी में हो जाएगा भाई, कल शाम तो आराम से उसी में, कल कोई क्लासेस भी उसकी वजह से नहीं कर पाऊँगा,
काफी मुश्किल होता है पीपीटी देना, पीपीटी प्रेजेंट, पीपीटी सबमिट कर दो, प्रेजेंटेशन देना काफी मुश्किल होता है। खैर बाय बाय।